एक कॉमिक इवेंट में जब पीटर और वेनम मर्ज हो जाते हैं और गॉब्लिन के कारण आंट मे मारी जाती है, जिससे कि पीटर बेहद ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह गॉब्लिन को एक झटके में ही मसल के रख देता है और अपने बाकी दुश्मनों को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वह सबसे पहले किंग पिंग और स्कॉर्पियन को तो चुटकी में ही मसल लेता है, जिसके बाद वह जाता है सिनिस्टर सिक्स के पास, जिसमें सबसे पहले वह मिस्टीरियो और इलेक्ट्रो को मार देता है। और इससे पहले कि वह किसी और को मार पाता, तब जे जोना जेमिसन वहाँ पहुँचता है और उसे वेनम से अलग करता है। और जैसे ही पीटर को पता चलता है कि उसने क्या किया, उसे बेहद ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वेनम अभी भी जिंदा होता है और वह न्यूयॉर्क पहुंचकर एक बिल्डिंग को अपना कंट्रोल पर कर लेता है। और आगे पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। तभी उसे एक फेस चेंजिंग डिवाइस मिलती है, जिसके बाद वह वेनम के पास पहुँचता है और वह उससे कहता है कि वह उससे मर्ज होने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे सबको छोड़ना होगा। लेकिन वेनम उसी समय रीड को मार देता है, क्योंकि वह पीटर से मर्ज तो होना चाहता है लेकिन वह सभी को मारना चाहता है। तभी पीटर समझ जाता है कि बातों का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है और वह भागने लगता है। तभी हम समझ पाते हैं कि वह पीटर नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है। और जैसे ही वेनम उसे मर्ज होने की कोशिश करता है तो ह्यूमन टॉर्च अपनी पूरी पावर लगा देता है और उसे जलाकर निपटा देता है। वेनम अब मर चुका था, लेकिन फैंटास्टिक फोर में अभी रीड की जगह खाली होती है और रीड की वाइफ के मनाने पर पीटर उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह वह बनता है फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर।